विघ्नहर्ता श्री गणेश तो उनके आशीर्वाद से चावल का एक दाना पर्याप्त होगा पूरे गांव के लिए। बस माता रानी पर विश्वास रखो, संभव है ये हमारे विश्वास की परीक्षा हो। अपने विश्वास में कोई कमी मत आने दो। सहायता तो उन्हीं से मांगनी चाहिए जो सक्षम हो, और माता रानी से अधिक सक्षम और समर्थ भला कौन हो सकता है। इसलिए मैंने सब कुछ माता रानी पर छोड़ दिया है। मैं तो बस माता रानी के आगे अपनी झोली फैलाऊंगा। अब हमें आज्ञा दें। जय माता की। जय माता की। तो क्या क्या हो क्या रहा वहां, देखो तो सही। ये कैसे हुआ, कब हुआ? चमत्कार, वही है ये चमत्कार। आरंभ हो गया, किंतु ये भैरव कहां है? नकारात्मक और दुष्टता के भाव का आभास क्यों हुआ इसे देखकर? दिव्यता का आभास क्यों हुआ मुझे? क्या ये कोई दिव्य पुरुष है? ये कौन था जिसके इतना विशेष होने का अनुभव हुआ मुझे? अवश्य ये भी उसी दिव्य अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। ये व्यक्ति अवश्य ही किसी कुटिल मनसा से पहुंचा है वहां। मुझे शीघ्र माता को सूचित करना चाहिए। क्या हो गया श्रीधर जी, एक टक कहां देखे जा रहे हैं? माता रानी आ गई है, आप सभी की प्रतीक्षा समाप्त हुई, शीघ्र माता का भोग मिलेगा आप सबको। श्रीधर, ये क्या बोले जा रहे हो? माता आएंगी, भोजन प्रसाद लाएंगी, कहाँ है माता और कहाँ है भोजन प्रसाद? श्रीधर जी हमें बुला रहे हैं, और क्या होता है? आप लोग धीरज रखिए, भोग मिलेगा, अवश्य मिलेगा, धीरज रखिए, शीघ्र मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, है कहाँ कुछ इसके पास जो ऐसा भंडारा करे। मूर्ख बनाया है श्रीधर ने हम सभी को। ओ हो,
तो ये यहाँ भी पहुँच गए हैं। देखो ना माँ, ये तो हमारे आदरणीय नैन सुख जी का स्वर है, तो भूख ने तड़पाया होगा तो लपक के यहाँ आ गए खाना खाने। किंतु है कहाँ वो? अंततः अवसर आ गया, संयोग बन गया, चलो। वो दुष्ट साधक क्या दुष्टता करने जा रहा है? मामी, प्रिय, माता रानी का आगमन हो गया है, चिंता त्याग दो। जय माता की। ये कैसा प्रयास कर रहे हैं श्रीधर जी? हमारे सामने पत्तल रख के भोजन भी नहीं परोसा और सीधे अंदर चले गए। ऐसा प्रयास वही कर सकता है जिसका संतुलन बिगड़ गया हो। हमें मूर्ख बना रहे हैं श्रीधर जी। आप सब माता के भंडारे में आए हैं, ऐसा करना क्या शोभा देता है आपको? माता का आशीर्वाद और भोग प्रसाद तभी प्राप्त होगा जब आप सब धीरज और संयम के साथ प्रतीक्षा करेंगे। थोड़ा धीरज रखिए, श्रीधर जी आपको निराश होकर नहीं लौटने देंगे। माँ, देखो मेरी पुरानी फटी धोती, कहीं ये बापू तो नहीं? नहीं लल्ला, क्या कर रहे हो? ये तो कोई निर्धन लाचार लगता है और बड़ी दुर्गंध आ रही है इससे। ये तुम्हारे बापू नहीं हो सकते। कहो तभी ठीक है, ऐसे दुर्गंध वाले व्यक्ति को मैं अपना बापू मान ही नहीं सकता। ये कोई निर्धन लाचार ही होगा जिसने मेरी धोती पहन ली होगी। मेरे कार्य में सदा बाधा बनते हैं ये दोनों, अब यहाँ भी मेरे पीछे ही बैठे हैं। गाँव वालों को कैसे उत्तेजित करूँ, कैसे बहकाऊ? आपकी दिव्य उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे, फिर दर्शन क्यों नहीं हो रहे? आपकी भक्ति में कोई कमी रह गई मुझसे? प्रत्येक जानी अनजानी भूल के लिए क्षमा मांगता हूं मैं माँ। आपके बिना इस भंडारे की क्या, मैं अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकता माँ। दया कीजिए माँ, अपने दर्द दीजिए, अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए माँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.